तो हेलो मेरे दोस्तों, मित्रों, मित्राणियों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों के बाद, नहीं आजकल तो कंटिन्यू ऐसे ला रहा हूँ कुछ दिनों के गैप में। तो आज का वीडियो में मैं पूरा लखनपुर शहर को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लखनपुर की यात्रा। और मैं इधर से अंबिकापुर साइड से आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ का ही कितना अच्छा नज़ारा है यार, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहीं से, और आगे तो बहुत अच्छा है। तो यार मैं देखो यहाँ पर पुल में बहुत देरी खड़ा था, मतलब बहुत देरी नहीं, इधर बन रहा था ना तो ट्रैफिक ज़्यादा लग गया था, पार होते नहीं बन रहा था इसलिए रुका था। भाई क्या ही बताएं यार, थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ। भाई बता रहा हूँ ना, ये जो ट्रक यहाँ से गुजर रहा है ना, ट्रक टैंकर जो कुछ भी है, अच्छे से देख रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि भाई हिल बहुत ज़्यादा रहा है पुल, तो डर लग रहा है यार कि कहीं उतर ना जाए नीचे। भाई बस भी पार हो रहे तो कम यहाँ, भाई वाइब्रेट हो रहा है। अब चलो यार निकलते हैं यहाँ से फटाफट, रूम 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 करके पूरा निकलेंगे। बस थोड़ा सा साइड मिल जाए, ओ चाचा थोड़ा साइड दे दो, चलो 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 एक बार थोड़ा सा, हाँ पुश कर दो उधर, बहुत बढ़िया। तो देखो यार अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना लखनपुर शहर, मतलब नदी से इस पार, तो ये शहर लखनपुर शहर है। तो चलिए दिखाता हूँ कंटिन्यू लखनपुर शहर को मैं। तो ये पूरा लखनपुर है, देखो यहाँ पर एक पेट्रोल टंकी है, ये लाइन में दो पेट्रोल टंकी है, मेन बिलासपुर वाला रोड है तो दो पेट्रोल टंकी यहाँ पर है। तो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा चलता है और अच्छा चलता है वैसे। और देखो इधर मैं एक साल तो रह चुका हूँ ना यहाँ पर, तो मैं उतना बहुत कुछ जानता हूँ लखनपुर के बारे में। और देखो यार पूरा काम अच्छे से कम्प्लीट नहीं हो पाया, देखो इधर भी चल रहा है अभी तक काम, क्या ही बताएं। देखो यहाँ पर SBI बैंक है, ग्रामीण बैंक भी है, साथ में यहाँ पर और पेट्रोल टंकी भी है। और यहाँ देखो ये है प्यारा सा लखनपुर का पार्क, इसको जोड़ा तालाब भी बोलते हैं, पुराना नाम है ये जोड़ा तालाब, अभी तो पार्क पार्क में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बना दिए हैं, और पार्क भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर लिखा है देखो अमर लखनपुर, तो यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं, अभी तो घुसेंगे है नहीं अपन लोग। यहाँ का वीडियो मैं एक पहले से बना दिया हूँ, तो जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वाले वीडियो का, या फिर आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ बेहतर होगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाके देखना, तो थोड़ा समझ रहे हो ना, ये है पूरा मेन लखनपुर शहर। और देखो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है वैसे, अभी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है, कहीं मैं सुबह जल्दी टाइम आ गया, उतना भीड़ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन होता बहुत ज़्यादा वैसे। और यहाँ तो सीधा देखो तो यहाँ है गुप्ता होटल वगैरह वगैरह, सुभाष मेडिकल, पाकिजा, बहुत अच्छा अच्छा दुकान है, मतलब बड़ा बड़ा दुकान है। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग सबसे पहले चलते हैं बस स्टेशन साइड, क्योंकि घुस के देखेंगे ना अभी क्या हालचाल है बस स्टेशन का, फिर उधर आगे साइड चलेंगे। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जा रहा था यहाँ पर, देख रहा हूँ कितना रुक रुक के चलना पड़ रहा था मेरे को, ऐसे यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था यार, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड किया। अब क्या ही बताएं, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत करना पड़ता है ऐसे मैनेज, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये है देखो लखनपुर का बस स्टेशन, और इधर मेरे लेफ्ट साइड पर धर्मशाला है ये वाला, और देखो सामने साइड दुकान वकान, इधर का तो पूरा बन गया वैसे अच्छे से, उतना शिफ्ट नहीं हो पाया दुकान, और बीच में जो भीड़ जैसे लगा ना ये जो, इसके लिए भी इधर बन रहा है दुकान, देखो ये दुकान बन रहा है, इसलिए इसको बीच में ले आए हैं दुकान को पूरा। और इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया था मेरे चैनल में, तो ये जब चल रही थी स्टार्टिंग उस टाइम पर। देखो अभी तो कम्प्लीट हो गया वैसे काम, गटर वगैरह लगा रहे हैं, पुट्टी वगैरह मार रहे हैं, फिर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं सीधा सहकारी बैंक साइड, हॉस्पिटल साइड, हॉस्पिटल तक तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन चलो दिखाऊंगा मैं वहाँ से, बताऊंगा भी कहाँ कितना दूर है वहाँ से। तो वीडियो को थोड़ा करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अरे बाप रे कितने अच्छे 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 मतलब प्लेस है, ये बोलना चाहता हूँ। देखो यार थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था यार, मतलब ट्रैफिक, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ वीडियो को। और देखो अभी अभी ना भूपेश बघेल आने वाले थे सैटरडे को, इसलिए ये सब तैयारी चल रही थी भूपेश बघेल, मतलब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी तैयारी यहाँ जो आ रहे हैं उनकी उनके लिए। अब बोलने नहीं पाते मेरे का, छोड़ो हटाओ, सीधा अब चलते हैं हम लोग बैंक के पास, और बैंक के पास मैं दिखाता हूँ वहाँ पर क्या सीन है, कितना भीड़ है। मेरे ख्याल से तो भीड़ होगा, काफ़ी भीड़ होगा, और हमेशा वहाँ भीड़ रहता ही है यार, ऐसा नहीं होगा कि भीड़ नहीं होगा।
देखो मैं कह रहा था ना, इधर बाइक वगैरह है, ये जिला सहकारी बैंक, यहाँ पर धान वगैरह बेचते हैं जो सोसाइटी में ना, उसका पैसा यहीं पर मिलता है। और यहाँ से जो राइट लेफ्ट वाली जो रोड है बस इसी में जाते हैं, यहाँ हल्का सा आगे बस यहीं 20 मीटर आगे हॉस्पिटल है, लेफ्ट साइड में ही, दिख नहीं रहा अच्छे से। यहीं से हम लोग मुड़ते हैं, वापस चलते हैं, फोन करके बाइक घुमा लेते हैं एक बार में। ये घूम गया बस। देखो भीड़ तो यहाँ कम नहीं होगी यार, मैं भी आता था, देखो सुबह जल्दी आ जाता था 9 बजे तक बैंक खुलने से पहले, और खुलने के बाद तुरंत सब चीज़ सबमिट करो, फिर जमा करो, जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए ये सोच के। फिर पापा के साथ आता था मैं, तो क्या ही बोले, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा रहते हैं यार, नहीं बताएं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बांट दिए हैं कि यहाँ वाले कब आएंगे और कब आएंगे। यहाँ पर देखो गोली टेंट हाउस है लेफ्ट साइड में, हमारे जाने माने दुकान है ये। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, देखो ये लेफ्ट साइड में मंदिर, राइट साइड में मस्जिद, ये आमने सामने दोनों मजहब के लोग बहुत प्यार से रहते हैं लखनपुर में, उतना ज़्यादा दंगा फसाद वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता है। देखो दोनों मजहब के लोग कितने अच्छे से रहते हैं, ऐसे रहना चाहिए सब। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ से हम लोग बस स्टेशन तो उसे दिखाई दिया था हमें, तो हम लोग सीधा निकलेंगे थोड़ा बस स्टेशन से आगे, उधर जो मार्केट लगता है डेली वाला मार्केट, यहाँ पर हम लोग जाते थे डेली शाम शाम को सब्जी लेने, तो शाम को भी नहीं लेकिन जाते थे सब्जी लेने वगैरह उतरने के लिए, तो सीधा चलते हैं वहाँ। तो ये देखो, ये जो है ना लेफ्ट साइड पे, यही है गुदरी बाजार बोलते हैं यहाँ अपने बोल चाल की भाषा में, यहाँ सब प्रकार की सब्जी वगैरह मिल जाती है एनी टाइम डेली। थोड़ा रोड यहाँ पर ख़राब हो गया है यार, और ये है मेन रोड, यहाँ सीधा चलते हैं लोग बस स्टेशन वाले के पास। अब देखो ये बस स्टेशन वाला रोड है, यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो फिर वो बहुत दूर उधर ले जाएगा दमाली माली साइड, राइट साइड में बस स्टेशन है, और ये आर की होमवेयर वगैरह वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा दुकान है, बड़ा बड़ा दुकान है। और ये जो ये लेफ्ट साइड वाली रोड है ना, मैं इसी में आता जाता रहता हूँ, मतलब मेरे घर आने जाने के लिए वाली रोड है, वो अलग बात है कि हर हमेशा पानी भरा रहता है यहाँ पर, पानी जब बारिश गिरता है उस टाइम पे। तो यहाँ से सीधा चलते हैं लोग आत्मनि स्कूल साइड, जो दिख रहा है सामने साइड पर। देखो ये ग्राउंड है जहाँ लोग सुबह शाम आते थे, रनिंग करते थे और वगैरह वगैरह बहुत कुछ फिट रखने के लिए। और ये है पुलिस थाना लखनपुर, तो ये ग्राउंड, और ये है आत्मानंद स्कूल। एक बार ना पीछे देख लेते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, चलो हम इधर जाते हैं और देखते हैं एक बार यहाँ आत्मानंद स्कूल। चलिए ये जो राइट साइड पे है ना, यही आत्मानंद स्कूल है इंग्लिश मीडियम, और इसके जस्ट आगे हैं यहाँ पर, ये है गर्ल्स स्कूल, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, समझ रहे हो, हायर सेकेंडरी, और ये उनका हॉस्टल। यहाँ दो हॉस्टल, मेरे को वो समझ में ही नहीं आया कि कौन कौन सा किन किन लिए हैं और क्या है, यहाँ पर भी है ना। तो बस यार यहाँ वापस आए, देखो ये है अब्दुल कलाम चौक, पहले नॉर्मल सा था लेकिन अभी अब्दुल कलाम जी का, मतलब हमारे सर माननीय अब्दुल कलाम जी का यहाँ पर वो मूर्ति रख दिए हैं, स्टैचू, तो उसके बाद से मैं इसको अब्दुल कलाम चौक बोलता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही यार, लखनपुर शहर बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। बाय।